हेलो फ्रेंड्स, प्रसाद एकेडमी रे आपनको स्वागत जनउची। तो देखंतु मु आपण मानो पई स्किल टेस्ट रे गोटे सीरीज आरंभ करथि, जोटा कि आपण माने कंप्लीटली यूट्यूब रे फ्री रे पाइबे। तो आपण मानको मु जो स्किल टेस्ट टा प्रोवाइड करबी, एटा आपण मानकर आगो को जते भी एग्जाम आसुची, जोटा कि आपण माने देखंतु जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एएसओ पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आगो को एमती बहुत गुडी एग्जाम आसीबो, जोथिरे कि आपण मानकर कंप्यूटर स्किल टेस्ट टा मागिबो। तो आपण मानकर एटा बहुत हेल्पफुल हम जोटा कि अपकमिंग एग्जाम गुड़िकाई। तो मु आपण मानकु गोटे गोटे टेप पूरा डिटेल रे सर्टकट की सहित बुझे कि वीडियो करके देबी, जोटा कि आपण मानकु बहुत हेल्पफुल हम। तो आज आम वीडियो देखिबा एमएस वर्ड, माने मु फर्स्ट एमएस वर्ड स्टार्ट करबी, तापर एक्सेल, तापर आपणकर रहिबो पावर पॉइंट। तो मु आज ए वीडियो रे वर्ड रो होम टैब विषय में आपण मानक डिटेल रे कहबी, जेति कि मु आपण मानक कहबी सेति कि आपणकर स्किल टेस्ट रे दरकार हबो। तो होम टैब रे भी बहुत गुडी अछि जोटा कि स्किल टेस्ट रे आसुना, जेति कि स्किल टेस्ट आपणकर आसुची सेति कि मु आपण मानक डिटेल रे शॉर्टकट की सहित कहबी। तो फर्स्ट चलंतु देखिबा आमे फॉन्ट ब्लॉक विषय रे। तो देखंतु फॉन्ट ब्लॉक रो काम मु डिटेल जहा जहा अछि स्पीड रे आपण मानक कहि देबी। तो देखंतु फॉन्ट ब्लॉक रो काम देखिया पूर्व मु आपण मानक गोटे पैसेज एथि लेखे कि देखौछि। तो एमएस वर्ड रे गोटे बाय डिफॉल्ट पैसेज थाय, तो सेही पैसेज टा को आपण माने केनते आलमे देखंतु आपण मानक पई गोटे फार्मूला अछि जोटा कि इक्वल टू देबे आर ए एन डी लिखिबे, ब्राकेट ओपन करिबे, ब्राकेट क्लोज करिबे, एंटर देबे। तो देखंतु बाय डिफॉल्ट गोटे पैसेज आसीगला। तो ए पैसेज को लेके आमे सब काम करिबा जोटा कि फॉन्ट ब्लॉक रो। तो देखंतु आपण माने जहां भी काम करियार अछि एमएस वर्ड रे फर्स्ट रे कोनोसी टेक्स्ट बा पैसेज को सिलेक्ट करिबे, सिलेक्ट करला पर ही कोनोसी भी एडिट बा फॉन्ट चेंज कर परिबे। तो देखंतु मु फर्स्ट रे टेक्स्ट को सिलेक्ट करली, तो आमे फर्स्ट रे जिबा फॉन्ट ब्लॉक रो फॉन्ट चेंज करिबा पई। तो देखंतु एठी बाय डिफॉल्ट रहउची एमएस वर्ड रे जोटा कि फॉन्ट चेंज करिया पई हेले आपनकर देखंतु एठी बाय डिफॉल्ट अछि कैलिबरी बडी। तो आपन माने एठी क्लिक करिवे। तो देखंतु एठी डिफरेंट 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 देछि, तो आपन माने जोटा चाहौ चंती फॉन्ट चेंज करिया पई, तो सेठी रखि के आपन माने चेंज करि परिवे। तो देखंतु बाय डिफॉल्ट थिला कैलिबरी, तो मु आपन मानको एठी आ गोटे भी चेंज करिके देखौछि जोटा कि बैकग्राउंड रे आपन मानकर ऑटोमेटिक से चेंज हे कि देखो थिबो। तो ये होची आपनकर फॉन्ट रो काम। तापर देखंतु टेक्स्ट रो साइज चेंज करिया पई हेले, तो देखंतु एठी अछि फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज पई आपनकर शॉर्टकट की भी अछि जोटा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो मु आपन मानकु देखै दउछि, देखंतु कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो एठी आपनकर सब जाक अछि, एठी जहां भी दिया दैछि ए गोटा करे आपनकर सब जाक अछि। तो देखंतु कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आपण माने जते बेले प्रेस करछंती आपण मानको एठी गोटे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आसीबो। तो सेठी देखंतु स्ट्राइक थ्रो अछि, डबल स्ट्राइक थ्रो अछि, सुपर स्क्रिप्ट अछि, सब स्क्रिप्ट अछि, स्मॉल कैप, ऑल कैप आउ हिडन भी अछि। तो आपण मानकर एग्जाम रे डबल स्ट्राइक थ्रो भी पचारी थाउछि। तो आपण माने डबल स्ट्राइक थ्रो आनिबा कहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करके एठी देखंतु डबल स्ट्राइक थ्रो, तो आपण माने यूज करि परिबे। तो मु आपण मानको एठी गोटे गोटे देखै देउछि, देखंतु यूज करिकि। तो देखंतु आर काम कोन इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो देखंतु आपण माने एठी सिलेक्ट करिवे, तो एटा को प्रेस करिवे बा क्लिक करिवे, क्लिक करले आपणकर फॉन्ट रो साइज टा बढ़ी बढ़ी जीवो। तापर देखंतु एठी डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो ऑलरेडी सिलेक्ट हेछि, तो एठी आपण माने क्लिक करले एटा फॉन्ट साइज टा कमी कमी जीवो। तापर देखंतु एठी अछि बोल्ड, तो देखंतु मु बोल्ड रे क्लिक करली, ते ये बोल्ड को चेंज हे गला। इटालिक देखंतु इटालिक हैला, मु इटालिक रे क्लिक करली, तो ये इटालिक को चेंज हे गला। तो बोल्ड रो शॉर्टकट की हैला कंट्रोल प्लस बी, इटालिक रो शॉर्टकट की हैला कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन देसी देखंतु सिलेक्ट करके आपण माने अंडरलाइन रे क्लिक करिवे, तो इटी अंडरलाइन हे गला कंट्रोल प्लस यू। तापर देखंतु स्ट्राइक थ्रो, तो स्ट्राइक थ्रो रो देखंतु एठी दिया जाइछि सिलेक्ट करके आपण माने एबीसी ऊपर जो गार अछि स्ट्राइक थ्रो, तो सेठी क्लिक करिवे एटा स्ट्राइक थ्रो हे गला। तो मु आपण मानको ऑलरेडी कहै छी जोटा कि स्ट्राइक थ्रो पई शॉर्टकट की माने डबल स्ट्राइक थ्रो पई, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो देखंतु एठी डबल स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन अछि, तो आपण माने डबल स्ट्राइक थ्रो टाकु यूज करि परिबे जोटा कि शॉर्टकट की कु नै कि। तापर देखंतु आमे देखिबा जोटा कि दि जाइए सबस्क्रिप्ट आउ सुपर स्क्रिप्ट। तो देखो सबस्क्रिप्ट आपंकर कौटी यूज हो
सुपर स्क्रिप्ट कौट यूज हो देखो आपण मैंने जितेबाला केमिस्ट्री फर्मूला लिखुंत से आपण मैं सबस्क्रिप्ट यूज हुए तो देखते मुझे सबस्क्रिप्ट लिखिक देखे दूसरी मुझे चाहूँगी कि ए टू लिखापी तो आपण मैंने ओ लिखे ये देखते सबस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो सबस्क्रिप्ट क्लिक करके दुई लिखे तो देखो ओ टू ये लिखी हेगला तो देखो सबस्क्रिप्ट आपण मान सॉर्टकट की हैला कंट्रोल प्लस इक्वल टू तापर देखंतु आपण मानको रहिला सुपरस्क्रिप्ट तो सुपरस्क्रिप्ट पय देखंतु सुपरस्क्रिप्ट आपण को मैथमेटिकल फार्मूला रे यूज हुए तो आपण माने एक्स स्क्वायर जदि लेखिया को चाहचोंती तापर जदि आपण माने एक्स स्क्वायर लेखिया पय चाहचोंती तो आपण माने सुपरस्क्रिप्ट रो हेल्प नै कि लेखि परिबे देखंतु मो एठी लेखु छी एक्स स्क्वायर तो एक्स लेखिले तापर एठी सुपरस्क्रिप्ट रे क्लिक करले दुई लेखिले तो एक्स स्क्वायर हे गला तो सुपरस्क्रिप्ट पय सर्टकट की अच्छे जोटा कि कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस पी कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस पी तो ये थिला आमर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज ताप देखते आपणकर ये गोटे अच्छे जोटा कि चेंज केस तो चेंज केस देखु सर्टकट की भी अच्छी जोटा कि मुझे वीडियो माध्यम कहीदे तो देखु चेंज केस तो चेंज केसटार कि यूज करवा तो आपण मानक मुझे गोटे किसी टेक्सट टेक्सट सिलेक्ट करके देखा तो आपण मैंने टेक्सट सिलेक्ट करके आपण मैंने ये डायरेक्ट क्लिक करेंगे देखते सेंटेन्स केस अच्छी लोअर केस अच्छी अपर केस अच्छी तापे देखु कैपिटलाइज इच वर्ड तापे देखु टॉगल केस तो ये सब गुड़िक अच्छी तो आपण मैंने यूज करेंगे किंबा आपण मानक मुझे गोटे सर्टकट की कह जोटा कि शिफ्ट प्लस एफ थ्री तो देखो ये चेंज हो तो आपण मैंने शिफ्ट प्लस एफ थ्री प्रेस करके भी चेंज करि परिबे जोटा कि चेंज केस तो तापे चलतु देखा आपणकर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी तो देखु आर यूज आम देखा तो देखु किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपण मैंने ये क्लिक करेंगे तो देखु डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइप स्टाइल गुड़क आईटा को यूज करके आपंती स्टाइल चेंज करेंगे तो देखो ये आउटलाइन अच्छी शैडो अच्छी रिफ्लेक्शन अच्छी ग्लो अच्छी तो डिफरेन्ट डिफरेन्ट फॉर्म स्टाइल गुड़िक अच्छे आपण मैंने चेंज करें देखु आम कि पढ़ला बेले बहरे हाइलाइट करूँ तो सहीटा को आम वार्ड में कमी करवा तो आपण मैंने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये अच्छे देखते टेक्स्ट हाइलाइट कलर तो आपण मैंने यूज करके टेक्स्ट को हाइलाइट करेंगे तो आपण मैंने जब चाहते हाइलाइटा को डिलीट करने तो ये सिलेक्ट करेंगे नो कलर अच्छी नो कलर क्लिक करे देखु ये आपणकर हाइलाइट कलर तो देखंतु तापरे फॉन्ट कलर माने आमे किसी टेक्स्ट बैकग्राउंड को जदि चेंज कर पारिबे तो मु आपन मानको कहि दउछि देखंतु सॉरी आपन माने जदि चाहउछन्ति किसी टेक्स्ट रो कलर चेंज करिया पई तो आपन माने सेटा को केमति करिवे तो आपन माने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करिवे एथि अछि देखंतु आपनकर फॉन्ट कलर तो फॉन्ट कलर तो आपन माने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एथि आपनको जो कलर दका से कलर ऊपर चेंज क्लिक कले आपणकर टेक्स्ट रो कलर चेंज होगा फॉन्ट रो कलर चेंज हो तो देखते मुझे आहरी भी टेक्स्ट गुड़ सिलेक्ट करके देखा तो आप चाहिए रेड को चेंज करने तो रेड रे क्लिक कले टेक्स्ट रो फॉन्ट कलर चेंज हो तो ये आपणकर फॉन्ट टैब ताप देखु आप चाहते फॉर्मेटिंग किसी करते तो सहीटा को पूर्वर जमी से तो ये देखते क्लीयर ऑल फॉर्मेटिंग अच्छी तो आपण मैंने क्लिक कले सब फॉर्मेटिंग माने जमी पूर्व पूर्वर थी सेमती देखते आपणकर चाहते कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने तो मुझे ये सिलेक्ट कली आर बैकग्राउंड आपण मैंने रेड कलर रखा चाहते तो ये क्लिक करेंगे ये क्लिक करके आपण मैंने रेड कलर कि येलो कलर जहाँ भी कलर आप चाहते तो से कलर आपण मैंने क्लिक करेंगे आर बैकग्राउंड कलर चेंज हो देखा आम पाराग्राफ ब्लॉक विषय तो मुझे पाराग्राफ ब्लॉक आपणकर शेडिंग विषय में कहीदेली तो ये आउ जहाँ भी आपणकर दि जाए से विषय में कहबी तो देखो फास्ट देखा आम पाराग्राफ ब्लॉक बुलेट पॉइंट ऑप्शन को तो देखो बुलेट पॉइंट मुझक नेक्स्ट वीडियो में बुलेट पॉइंट सॉर्टकट की विषय कहबी एवं जहाँ भी आपणकर कीबोर्ड माउस सागुड़ कह तो देखो आप बुलेट पॉइंट को कमी यूज करेंगे तो ये क्लिक करेंगे तो देखो ये डिफरेन्ट टाइप बुलेट अच्छी तो ये सर्किल अच्छी
ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏରୋ ମାର୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଚାହିଁବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର ଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ ଏରୋ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନମ୍ବରିଂ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଯାହା ବି ସାର୍କେଲ ଥିଲା, ଏରୋ ମାର୍କ ଥିଲା, ତ ଆମେ ନମ୍ବରିଂ ଚାହିଁଲେ କେମିତି କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ବା ଏଠି ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମୁଁ ଏଠି ଚାହୁଁଛି 1 ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3 ଏମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର କଲି, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ 2, 3 ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏ ବି ସି, ତ ଆପଣମାନେ ABC ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ABC କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ଲେଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ABC ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ରୋମାନ ଲେଟର, ତ ସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ତ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ସର୍ଟକଟ କି ହିସାବରେ କେମିତି ହୁଏ ଆର ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ବା ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ତ ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି ଲେଖା ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆର ସର୍ଟକଟ କି ଦେଖନ୍ତୁ Ctrl+L। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ, ତ ଜଷ୍ଟିଫାଏର ସର୍ଟକଟ କି ହେଲା ଜଷ୍ଟିଫାଏ, ତ ଜଷ୍ଟିଫାଏର ସର୍ଟକଟ କି ହେଲା Ctrl+J। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ, ତ ଇଏ ବୋଥ ସାଇଡ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଆଡୁ ସାଇଜ ହେବ, ରାଇଟ ଆଡୁ ବି ସାଇଜ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ମାନେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପେସେଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ବୋଥ ଆଡୁ ସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ Ctrl+J ପ୍ରେସ କରିକି ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପେସେଜଟାକୁ ପୁରା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଲେଖୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟାକୁ ବୋଥ ଆଡୁ ସାଇଜରେ ଲେଖାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପେସେଜଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, Ctrl+J ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ସମାନ ହେଇକି ଲେଖା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟଟାକୁ ବା Ctrl+R ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ରାଇଟ ଆଡୁ ରାଇଟ ସାଇଡ ଆଡୁ ସିଏ ସମାନ ହେଇକି ଲେଖାଗଲା। ତ ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ସିଏ ଲେଫ୍ଟ ଆଡୁ ସମାନ ହେଇକି ଯିବ, ରାଇଟ ଆଡୁ ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଡୁ ସମାନ ହେଇକି ଅଛି, ରାଇଟ ଆଡୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ Ctrl+R ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ସେ ରାଇଟ ଆଡୁ ସମାନ ହେବ, ଲେଫ୍ଟ ଆଡୁ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ Ctrl+J, ତ ସିଏ ବୋଥ ଆଡୁ ସମାନ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେସିଂ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ବା ପାରାଗ୍ରାଫ ସ୍ପେସିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଆଗକୁ ଆର ସର୍ଟକଟ କି ମୁଁ ନେଇକି ଆଣିବି ବା ଡିଟେଲରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଆର ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଏ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ବ୍ଲକରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ପେସେଜଟାକୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପାରାଗ୍ରାଫରେ 1.5ର ସ୍ପେସିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ତ 1.5ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିଏ ଲାଇନ ଭିତରେ ସିଏ ଗେପ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଛି, 2.5 ଅଛି, 3.5, 3.0 ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓନ୍ଲି ଏତିକି କହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପାରାଗ୍ରାଫ ସ୍ପେସିଂ ବିଷୟରେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବର୍ଡର୍ସ, ତ ବର୍ଡର୍ର ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପେସେଜଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ଲେଫ୍ଟରେ କିଛି ବର୍ଡର୍ ଆସୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲେଫ୍ଟ ବର୍ଡର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର ରାଇଟ୍ରେ ବି କିଛି ବର୍ଡର୍ ଆସୁ, ତ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ରାଇଟ୍ରେ ବି ବର୍ଡର୍ ଆସିଗଲା।
तो आपण माने चाहूँगी टॉप रे बॉर्डर आसू तो आपण माने टॉप बॉर्डर रे क्लिक करले टॉप रे बॉर्डर आसी जीवो तो आप देखंतु एठी आपण माने चाहूँगी कि बॉटम रे भी बॉर्डर आसू तो बॉटम रे भी बॉर्डर आसी जीवो जदि आपण माने चाहूँगी ऑल बॉर्डर तो आपण माने एठी क्लिक कर देबे से ऑटोमेटिक सब जाक रे एमती स्क्वायर हे कि गोटे बॉक्स भितरे लेखा जाको आसी जीवो तो आपण माने को मु ए वीडियो रे जहां भी देखैली तो ये थिला होम टैब रो जोटा भी आपनकर स्किल टेस्ट पे दरकार सेटा आपन मान को बुझैली तो बहुत दिन हैला मु वीडियो कर नथिली सेति पे टिके ऑड ऑड होछ आपनकर आपन को भी ऑड लागथु मु नेक्स्ट वीडियो रे पूरा क्लियरिटी नै कि आसीबी तो एति कि इंपोर्टेंट अपडेट थिला जोटा कि स्किल टेस्ट को नै कि होम टैब रो थैंक यू।